वी द पीपल, हम भारत के लोग, सभी तरह के लोग इसमें जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो कंसेप्ट है उसमें जो हमारा नेता है वो हमारा संविधान है, और जो हम अपने आप को गवर्न कर रहे हैं या हम अपने आप को चला रहे हैं वो सारे नियम वही हैं जो भगवान बुद्ध ने 50,000 जो टीचर तैयार किए थे, जो विनय पिटक के नियम दिए थे, और भगवान बुद्ध के बाद जो नियम बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिए थे वही नियम हैं। सभी तरह के लोग हैं, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज के हैं, चाहे वो कानून के हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन के हैं, चाहे वो एजुकेशन के हैं, चाहे वो अन्य क्षेत्रों के हैं, सभी तरह के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से इकट्ठे हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज जो एजुकेशन सेक्टर में लोग हैं, जो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या पढ़ने पढ़ाने में सहायक हैं, पूरे भारत के सारे कॉलेज या स्कूल और सभी तरह के कॉलेज, चाहे वो ITI हैं, चाहे वो इंजीनियर्स के हैं, चाहे वो डॉक्टर्स के हैं, चाहे नर्सिंग के हैं, चाहे मैनेजमेंट के हैं, चाहे वो किसी अन्य ट्रेनिंग सेंटर हैं। दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आपको पढ़ाया और आपको पढ़ाने के लायक बनाया और जब आपको एक रिजर्वेशन दिया तो आपको ये शिक्षा मिली, और उस समय ये बहुत सस्ती थी, जो गवर्नमेंट के बहुत कम प्राइस में, बहुत कम सैलरी में, बहुत कम जो फीस जाती थी उसमें ये आपको मिलती थी। फिर नियम बदले और ये महंगी हो गई, तो आप तो पढ़ गए मगर आपके बच्चे शायद पढ़ जाएं, क्योंकि आपने कुछ पैसा कमाया है, वो पैसा खर्च करके आप पढ़ा सकते हैं, मगर उनके बच्चे नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि आपने जो पैसा इकट्ठा किया वो तो अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया, मगर आपके बच्चे पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका कोई सोर्सेस नहीं है, उनकी कोई इंडस्ट्री नहीं है, उनका कोई खेत नहीं है, उनका कोई जमीन जायदाद नहीं है, वो नौकरी पर बेस्ड हैं, और अभी सैलरी कम हो गई है और प्राइवेट सेक्टर सारे हो गए हैं, और प्राइवेट सेक्टर में आप जानते हैं कि कास्ट को देखकर नौकरी मिलती है, सिफारिश से मिलती है, तो नौकरी मिलने का भी चांस बड़ा कम है, और 12 घंटे काम करना पड़ेगा, 10-20-30 हज़ार रुपये मिलेंगे, उसमें घर चल जाए बहुत बड़ी बात है, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये कहा था कि अगर मेरे समाज में 10 इंजीनियर, 20 डॉक्टर या 30 वकील पढ़ जाएंगे तो समाज काबिल हो जाएगा, इसका मतलब ये था कि ये लोग जब पढ़ जाएंगे और एजुकेशन ले लेंगे तो ये और लोगों को भी पढ़ाएंगे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पढ़ के अपने घर में बैठ जाएंगे, क्योंकि जो नौकरी आपको मिली है, जो काम आपको मिला है, जिसके तहत में आप टीचर हैं या प्रोफेसर हैं या कहीं ट्रेनिंग सेंटर में इंस्ट्रक्टर हैं, तो ये आपको इसलिए मिला है क्योंकि आपको कुछ सीटें बाबा साहब ने रिजर्व की थी, उस संख्या के अनुपात में थी, उस समय 7-8 करोड़ लोग थे हम शेड्यूल कास्ट, तो उनकी जो सीट थी जो 14% 15% बनती थी उसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप कोई खास नहीं है जो आप पढ़ गए हैं या जो आप इंजीनियर डॉक्टर या प्रोफेसर या टीचर बन गए हैं। क्यों खास नहीं है? क्योंकि कोई ना कोई तो उन सीटों की एवज में आता ही, उनके बदले में आता ही, आप चूंकि पहले पढ़े इसलिए वो अधिकार आपको मिला, तो ये जो अधिकार है ये उन 7 करोड़ लोगों का उस समय और अब जो 25-30 करोड़ लोग हैं उनका है, यानी उनका अधिकार कुछ लोगों को प्रेजेंटेशन में दिया गया है, रिप्रेजेंटेड किया गया है, उनका प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये उन लोगों की नौकरियां हैं, ये उन लोगों की शिक्षा है। कोई आदमी कह सकता है कि मैं तो रिजर्वेशन से आया नहीं, तो अच्छी बात है अगर वो बिना रिजर्वेशन के कोई सीट लेके आया है, मगर पढ़ने का जो अधिकार दिया है वो भी बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिया है, इसलिए इसको कोई मना नहीं कर सकता कि जो अधिकार है वो बाबा साहब का दिया हुआ है, तो इसलिए बाबा साहब का आदेश है कि उसके हर व्यक्ति यानी समाज के हर व्यक्ति तक आपको अपनी सर्विसेज, अपनी सेवा, जो आपने सीखा है उसका लाभ पहुंचाना है। सरकार पूरे समाज को पढ़ाने में फेल रही है, सारी सरकारें जो भी आई हैं उन्होंने कंपलसरी एजुकेशन या इक्वल एजुकेशन या फ्री एजुकेशन कोई भी काम इसमें नहीं किया है, बल्कि कुछ कॉलेज और स्कूल बंद भी हो गए हैं, और अब बहुत सारे स्कूल और कॉलेज में फीस इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारे लोग उसको दे नहीं सकते। तो क्या हम पढ़ना बंद कर दें? अगर बाबा साहब होते तो आपको डंडों से फटकारते कि आप इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आप कर क्या रहे हो? आप पढ़ गए हो, अगर आप अपने समाज को नहीं पढ़ाओगे, उनको पढ़ाने में सहायक नहीं होगे, सब बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, तो आपके बच्चे भी अनपढ़ हो जाएंगे, क्योंकि जिसका समाज अनपढ़ होता है देर सवेर उसके बच्चे भी अनपढ़ होते हैं, ऐसा पहले हो चुका है। बुद्ध के समय और अशोक के समय पूरा समाज पढ़ा लिखा था, जब अशोक ने पत्थर पे सिलाओं पे जब लिखवाया, पाली के अंदर नियम लिखवाए सारे, तो उसको हर आदमी पढ़ता था,
लिखवाए हैं तो पढ़ने वाले लोग थे तभी लिखवाए हैं, अगर पढ़ने वाले लोग नहीं थे तो पत्थरों पे क्यों लिखवाया जाता। इसका मतलब हम सारे के सारे उस समय पढ़े लिखे थे, ज्ञाता थे, पंडित थे, जानकार थे। फिर हमारी शिक्षा चली गई क्योंकि शिक्षाओं को कुछ कुलों में, कुछ गुरुकुलों में निश्चित कर दिया गया और महिलाओं के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए बंद कर दिया गया। तो पढ़ाने वाले ने पढ़ाना बंद कर दिया और हमारे लोगों ने हमको पढ़ाया नहीं। अगर वो पढ़े लिखे लोग उस समय जो अशोक के समय थे, बुद्ध के समय थे, अगर हमें लगातार पढ़ाते रहते तो हम दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े हुए होते। ये इस बात से भी सिद्ध होता है कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें पढ़ाई का मौका दिया तो हमारी जो तीसरी जनरेशन है यानी बाबा साहब से पहले कोई पढ़ा लिखा नहीं था, बाबा साहब के बाद ही सारे पढ़े हैं। कोई होगा बहुत फन्नेखा जो अपने आप को कहता होगा कि मेरे पास 3 डॉक्टरेट की डिग्री हैं, मैं इतना PhD, इतना D.Litt हूँ, इतना मैं सारा कुछ मैंने किया किया हुआ है, मैं फिलोसफर हूँ। या कोई कह सकता है कि मैं कोई क्लास 1 अफसर हूँ या उससे भी बड़ा हूँ, या कोई कह सकता है कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर हूँ आज के समय, या कोई कह सकता है कि मैंने 20-25 किताबें लिखी हैं, मेरा बड़ा नाम है। तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि बाबा साहब से पहले उनके जो फादर थे, उनके जो पिता थे, वो अंगूठा टेक थे, उनको कह कह के भी नहीं आता था। बाबा साहब अगर ना होते और पढ़ाई का रास्ता ना खोलते तो ये डिग्रियां और ये जो डॉक्टरेट की डिग्रियां हैं ये नहीं मिल पाती, ये एजुकेशन में नहीं मिल पाती। और अब चूंकि पढ़ाई के रास्ते बंद हो गए हैं तो आगे आपके आने वाले बच्चों को कहीं PhD या डिग्री या एडमिशन मिलेगा ही नहीं। बहुत ज़्यादा बेसिक एजुकेशन, वो भी इसलिए है कि आप कहीं नौकर बनो तो मोबाइल वगैरह पढ़ लो, या गाड़ी का नंबर पढ़ लो, या जो गाड़ी चलाने के नियम हैं उनको पढ़ लो, या घर में जो नौकर का काम करेंगे सफाई वफाई का, वो इंस्ट्रूमेंट के चलाते हैं उसका कुछ मैनुअल है उसको पढ़ लो, बस इतना ही पढ़ाया जाएगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। 7वीं 8वीं तक आप पढ़ोगे और आप जिंदगी भर लोगों की इंस्ट्रक्शन पढ़ के नौकरी करते रहोगे। तो अगर इससे बचना है तो सभी जितने टीचर हैं, चाहे वो प्राइमरी के हैं, चाहे वो बेसिक हैं, चाहे वो प्रोफेसर हैं, चाहे वो PhD हैं, चाहे वो किसी भी सर्विसेज में, अगर वो पढ़े लिखे हैं, खाली टीचर्स का या जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्हीं का दायित्व नहीं है, सभी को पढ़ाना है। अपने परिवार को पढ़ाना है, अनपढ़ लोगों को पढ़ाना है, अपने आसपास के लोगों को पढ़ाना है, और जो जहाँ मिल जाए पढ़ाना है। आप दिन में सरकारी काम करो जिसकी आपको तनख्वाह मिलती है, मगर सैटरडे में, संडे में, छुट्टी में 100-125 करीब आपको छुट्टियाँ मिलती हैं उस समय, या आप मोबाइल पर या यूट्यूब पर या फेसबुक पर दिन रात पढ़ाने का काम कीजिए। जो जिसके पास है वो पढ़ाए। कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर है तो वो लोगों को बताए कि कैसा कैसे पैरामेडिकल की सर्विसेज होती हैं, क्या नहीं होती हैं, ये किताब ले आओ, वो किताब ले आओ, इसको पढ़ो। कोई अगर नर्सिंग का कोर्स करा रहे हैं, जानते हैं, तो वो अपनी जो महिलाएं उनको बताओ कि नर्सिंग के कोर्स में कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे नहीं होता है। कोई अगर बहुत अच्छा जानकार है तो वो अपनी वीडियोस बना के अपनी क्लास लगाए और बताए कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़ाने के लिए पैसे की और जगह की आवश्यकता नहीं होती, ये बात पहले भी तय हो चुकी है और फिर सिद्ध हो चुकी है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भगवान बुद्ध ने खुद जाना और खुद बोधि प्राप्ति, ज्ञान प्राप्त किया, तो 7 हफ्ते तक उन्होंने मनन किया कि कैसे लोगों को पढ़ाना है। उस समय तो अक्षर भी नहीं बने थे, कागज और कलम की तो बात बहुत दूर की है, यानी अक्षर भी नहीं थे, सारा ज्ञान बरवल यानी कि बोलकर ही होता था। तो बोलकर होता था, फिर बोलकर लोगों को सुनाना होता है, उसको समझाना होता है, बताना होता है, और फिर साधन भी नहीं थे, यानी कि आज के समय जैसे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है, उस समय सिर्फ बैलगाड़ी हुआ करती थी और कुछ नहीं होता था। और उस समय कोई ऐसा साधन भी नहीं था कि जैसे आज आपके समय नेट है, इंटरनेट है, आप वीडियो पर पढ़ा सकते हैं, फ़ोन पर बात कर सकते हैं, या बहुत तेज़ी से लोगों से मिल सकते हैं, ऐसा भी नहीं था। अभी तो माहौल बड़ा अच्छा है। उस समय भगवान बुद्ध ने पढ़ाना शुरू किया, सबसे पहले तपस्विक और भल्लुक को पढ़ाया, 2 लोग मिले, फिर 5 लोग जो उनके पुराने साथी थे उनको पढ़ाया, फिर 60 हो गए बनारस में, 60 लोगों ने फिर आगे पढ़ाना शुरू किया। और ऐसे करते करते जब भगवान बुद्ध एक्सपायर हुए, जब उनका निर्वाण प्राप्त हुआ, जब वो मरे, उस समय तक 50,000 टीचर वो तैयार कर चुके थे, टीचर ही टीचर 50,000। तो कैसे करते थे, वो जहाँ भी जाते थे जंगल को साफ करते थे और वहाँ पे क्लास लगाते थे, 49 डेज की 13 हफ्ते की क्लास हुआ करती थी, उसमें पढ़ाया करते थे, और पढ़ाने का कोई पैसा नहीं लेते थे, बस पढ़ाने का खाना लेते थे। तो एक उनका तरीका था जहाँ वो फाउंड जो अच्छी तरह बेस बनाते थे, एक जिसको आराम बोला करते थे, वहाँ पे लोग रमन करते थे, उनको राम बोला करते थे, वहाँ पढ़ाया करते थे। दूसरा, उन्होंने मोबाइल बनाया, यानी मोबाइल यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने भिक्कों को कहा और खुद भी वो जाते थे चलकर, और जिसको पढ़ाना होता था वहाँ पहुँचते थे और उसको पढ़ाते थे। तो मोबाइल यूनिवर्सिटियाँ बनाई, मोबाइल उन्होंने स्कूल बनाए, मोबाइल कॉलेज बनाए, तो वहाँ जाके पढ़ाना शुरू किया। और अब आपके पास तो एक और भी है जिसको वर्चुअल एजुकेशन बोलते हैं,
यानी कि ना आप कहीं जाएंगे ना आएंगे, सिर्फ आप लाइव फेसबुक पर आएंगे, लाइव आप वीडियो बनाएंगे, लाइव आप यूट्यूब पर आएंगे और आप क्लास लेंगे और पढ़ाएंगे, और जो आप पढ़ाएंगे वो जीवन भर लोगों के पास रहेगा, वो पढ़ते रहेंगे। तो जो लोग सामाजिक विषय पढ़ाते हैं, जो सोशल साइंस पढ़ाते हैं वो सोशल साइंस पढ़ाएं, जो साइंस पढ़ाते हैं फिजिक्स पढ़ाते हैं केमिस्ट्री पढ़ाते हैं पढ़ाएं, जो मैनेजमेंट पढ़ाते हैं उनकी क्लासें लगाएं, जो प्राइमरी और बेसिक टीचर हैं वो बच्चों को उनकी के बारे में बताएं, और जो हमारे प्रोफेसर्स हैं और जो डॉक्टर हैं उनकी ड्यूटी इस बात में ज़्यादा बनती है कि वो बेसिक कोर्स को डेवलप करें। जो हमारे लोग हैं उनके बेसिक कोर्स की सबसे पहले प्राइमरी की किताबें, जैसे NCERT का जो कोर्स होता है उसमें कुछ प्रोफेसर्स मिलके, भाषाविद मिलके, जो लैंग्विस्टिक होते हैं वो सारे मिलके और एक किताब बनाते हैं। जैसे सपोज हमको एक किताब चाहिए पहली क्लास की जो हमें क्या 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 सिखाए, तो वो किताब हमारी अपने लोगों द्वारा रिसर्च की हुई खोजी हुई होनी चाहिए। वो किताब वहाँ वो बनाए, उस किताब की पब्लिशिंग का अरेंजमेंट कुछ लोग बाद में कर देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बेसिक जो एलिमेंट्री किताब है कक्षा 1 की 2 की 3 की 4 की बनाएं, 7 8 की बनाएं, फिर वो सेकेंडरी की बनाएं, फिर हायर एजुकेशन की बनाएं, वो अपना ही कोर्स अपना ही सिलेबस होना चाहिए। तो वो बना सकते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करना। जिस यूनिवर्सिटी में आप हैं उसमें अपनी यूनिवर्सिटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, जिस पर लिखिए वी द पीपल, यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, या वी द पीपल प्रोफेसर्स लिखिए, या वी द पीपल स्टूडेंट्स लिखिए, या वी द पीपल यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ होता है वो लिखिए, और बाकी यूनिवर्सिटियों से उसको अटैच कीजिए, उसमें उन लोगों को जोड़िए, और पूरे एक स्टेट की यूनिवर्सिटी को जोड़ के अगले स्टेट की यूनिवर्सिटियों से जोड़ना शुरू कीजिए। तो जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, उन सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप अपने अपने हिसाब से वी द पीपल करके आप जब बनाएंगे, तो सबसे पहले जो एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी अटैच हो जाएगी, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से दूसरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अटैच हो जाएगा, उस राज्य के जब सारी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अटैच हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपस में, तो फिर वो दूसरे राज्य से मिल जाएंगे। इस प्रकार पूरे भारत में आप लाखों जो टीचर हैं और जो लाखों प्रोफेसर डॉक्टर हैं उनका एक नेटवर्क बना लेंगे। यहाँ से आप एक अच्छे तरीके से लोगों को एजुकेट करना शुरू करेंगे। ये ध्यान रखना कि भगवान बुद्ध ने सारी शिक्षाएं सारी एजुकेशन सभी को फ्री दी थी, और भारत में फ्री एजुकेशन का ही कल्चर था। ये विदेशी कल्चर है जो एजुकेशन का पैसा लेते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने भी फ्री एजुकेशन की वकालत की है और एजुकेशन सबके लिए डिमांड की हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि सबको बराबर और एक सी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो आपको बराबर और एक सी एजुकेशन खुद ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान खुद ही लागू करना पड़ेगा, और ये काम जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप बचेंगे नहीं। ये ध्यान रखिए कि आप पढ़ गए क्योंकि बाबा साहब ने आपको पढ़ाया, आपने अपने बच्चे को पढ़ाया क्योंकि आपके पास बाबा साहब के द्वारा पढ़ाई से जो पैसा आया उससे आपको संसाधन मिल गए, कुछ पैसा मिल गया, घर मकान मिल गया, आप घर मकान बेच के अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मगर आपका बच्चा उस अपने बच्चे को यानी तीसरी पीढ़ी को पढ़ा नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास घर बेचने के लिए होगा नहीं, और एजुकेशन तब तक इतनी महंगी हो चुकी होगी कि वो किसी भी हालत में उसको पढ़ा नहीं पाएगा, और फिर वहीं आ जाएंगे जहाँ से बाबा साहब ने आपको उठाया है। तो आपको अपने समाज को पढ़ाना है, अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है, अगर अपने पोतों को पढ़ाना है, तो आपको अपने समाज को पढ़ाना है। कोई आदमी ये सोचे कि मैं इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, क्लासमैन बन गया, PhD बन गया, मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है, अब मेरी लाइफ लेविस लाइफ है, मेरे पास घर मकान दुकान कार हैं, 30 साल तक, बस 30 साल के अंदर अंदर ये सारा जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा, रुकेगा नहीं। इसको अच्छी तरह से चेक कर लो भाई, क्योंकि अगर आपको यकीन ना हो तो आप सोच लो कि अब आपका आना बंद हो गया है, जाना शुरू हो गया है, तो कितना समय लगेगा, 30 साल ज़्यादा ज़्यादा। और कोई 2 4 लोग बच भी गए जिन्होंने अच्छे पैसे कमा लिया या इंडस्ट्री खड़ी कर ली, तो उनसे समाज का होना भी क्या है, और जिनके पीछे समाज नहीं खड़ा होता वो लोग भी मारे जाते हैं, चाहे भले ही कितने पैसे और कितने ताकत वाले हों, ये पूरी हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री को भगवान बुद्ध के समय अच्छी तरह से चेक किया हुआ है। जब भगवान बुद्ध ने पढ़ाना शुरू किया तो सब लोग पढ़े हुए थे, और उसके बाद में सारे लोग अनपढ़ हो गए, और फिर अनपढ़ होने जा रहे हैं जब बाबा साहब ने पढ़ाया था। तो आप अपना पे बैक टू डॉक्टर अंबेडकर या पे बैक टू गौतम बुद्ध या पे बैक टू सोसाइटी आप कीजिए। आपको बाबा साहब ने इसलिए पढ़ाया था कि आप उनके समाज को पढ़ाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ाया था कि आप समाज को नहीं पढ़ाएं। धन्यवाद। Thank you.